हालात जो हाथ से निकले हैं खबरें में जो ये आ रही हैं कि FBI arrested a Pakistani national accused of plotting to assassinate politicians in the US. और मैं यार तुम मरवाना चाहते हो या लीडर या तीन बंदे तीन जात रेस्टोरेंट में खाना खाएं पांच हजार डॉलर बिल आ जाता है इतना सस्ता सारा कुछ हो जाना था इनको ट्रेन करने वाले भी नहीं समझते कि यार इनको इंटरनेट इस्तेमाल करने सिखा दें मेरे इतने इमेच्योर हैं और मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है पाकिस्तान को मजीद इसने बीस पच्चीस साल पीछे धकेल दिया है ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ये कहा जा रहा है कि इसराइल के निशाने पर है और अगर ईरान पर हमला हुआ तो खुदा ना खासा वो हमारे ऊपर भी ये इस तरह की वारदात कर सकता है जब भी यहाँ पे कोई इस तरह का हादसा होता है यकीन यकीन करें पिछले पैंतीस साल से हम दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं कि यहाँ मेरे मालिक किसमें कोई पाकिस्तानी ना हो को मुसलमान ना हो ना एक दो गड्ढे और भी दो अपने दूसरों के लिए ताकि भारतीय बैठ के पॉपकॉर्न खरीद के आपको गड्ढों में गिरता हुआ देखें कि वैसे भी आपका देश तो टूटने वाला है और आधा देश तो ऑलरेडी डाल चुका है दो तो ढाई साल से वो तकरीबन जिस तरह उन्होंने मुल्क के अंदर अपना तफरी फैलाई है लगता नहीं है कि वो बैक ऑफ बैक ऑफ करेंगे क्रिस्टन के साथ नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते तो आपका बकाई नहीं होगा दुनिया में यार नहीं, नहीं। 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 हमारी सोच है हम देखो भाई दुनिया में अगर आपने जिंदा रहना आपने रहना आप चाहते हो कि दुनिया आपको जिस तरह से आप दुनिया को दे रही हो उस तरह से देखे तो कि दुनिया खत्म हो जाएगी भाई यूरोप इज हेडिंग टूवर्ड सिविल वॉर और उसका रीजन ये है कि ये जो लेफ्ट लिबरल है ये कैंसल आउट जो कर रहे हैं ये आप लोगों की पर्सनल कैरेक्टर असेसिनेशन करने लगे ईरानी जो है ये जो काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को रिक्रूट करो वहां से वीजा लगवाओ वहां जाके आगे बंदा मारो खुद तो अपने घर में वो इसमें को सेव नहीं कर सके या पाकिस्तान को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाकिस्तान सस्ता मिल गया हो देखे ना देखिए इसमें एक तो सब जगह फैक्टर ये हो सकता है ना किसी और जगह से लोग पकड़ते तो पैसे ज्यादा मांग रहे हो पाकिस्तानियों वेल डन कीप अप द गुड वर्क नमस्कार दोस्तों जय हिंद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पाकिस्तान के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसके ईरान के साथ लिंक साबित हुए हैं सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्टिस डिप्लोमेट ने एक पाकिस्तानी शख्स पर आरोप लगाया है की वह ईरान सरकार से कथित तौर पर संबंध रखता है और राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था मंगलवार को सामने आए अदालती दस्तावेजों के मुताबिक इस मामले के बाद अमेरिकी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य बड़े नेताओं की सुरक्षा को और सख्त कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के इरादे से पहले ही गोली चल चुकी है जो ट्रंप के कान को फाड़ते हुए निकल गई थी और वो बच गए थे और इस घटना के बाद एफबीआई चीफ ने नाकामी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया था पाकिस्तानी शख्स आसिफ ने हत्या से पहले देश छोड़ने की योजना बनाई थी लेकिन जाने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया ये खबर सुन पाक मीडिया तिलमिला उठा है और बोल रहा है की डोनाल्ड ट्रंप अगर वापस आते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अमेरिका के अंदर के एक पाकिस्तानी शख्स उसका नाम आसिफ मर्चेंट है उसको न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया और कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के अंदर सियासी लोगों को टारगेट करना चाह रहा था उसने को पांच हजार डॉलर के करीब कोई रिश्वत भी वहां पे किसी को दी लेकिन इससे पहले कि कुछ होता वो निकल रहा था कि इंडियन अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ लिया कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक मुल्व पाए गए हमारे लिए कितनी पैदा हो सकती that, चीमा इस बंदे ने सत्यानाश करके रख दिया पाकिस्तानी अमेरिकन का यहाँ पे इसने तसल्ली कर दी इसने मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम हम जैसे लोग जो कि भाग कर यहाँ पे रिफ्यूज लेकर बैठे हैं जब भी यहाँ पे कोई इस तरह का हादसा होता है यकीन यकीन करें पिछले पैंतीस साल से हम दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं कि या मेरे मालिक किसम को पाकिस्तानी ना हो मुसलमान ना हो आ, अब मैं ये बिल्कुल इसने जस्टिफाई किया है कि आपको वाकई यहां भी पीटीआई को प्रमोट करना चाहिए रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी यू डोंट डिजर्व टू बी इंटीग्रेटेड इन टू दिस सोसाइटी आसफ मर्चन साहब ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को और मेरे जैसे लोग जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, जो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं और जो अमेरिका से भी मोहब्बत मोहब्बत करते हैं जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं जो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमेरिका के जिन्होंने हमें यहां पे संभाला है इस बंदे ने तसली कर दी है इस पर जितना भी दुख किया जाए कम है इस बंदे की इस बंदे ने सख्त चीमा साहब देखें और इतने एमेच्योर हैं ये लोग कितने एमेच्योर लोग पांच हजार डॉलर में यार तुम मरवाना चाहते हो या लीडर या तीन बंदे तीन जाते रेस्टोरेंट में खाना खाए पांच हजार डॉलर आ जाता है इतना सस्ता सारा कुछ हो जाना था इनको ट्रेन करने वाले भी नहीं समझते कि यार इनको इंटरनेट इस्तेमाल करने सिखा देंगे इतने हिम्मत हो रही है और फिर उनसे कह रहा जी कि वो कभी कहता है जॉन बोल्टन को मारो कभी कहता है किसको मारो फिर डोनाल्ड ट्रंप और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूयॉर्क एक दिन पहले यह पकड़ा गया जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर अटैक हुआ और मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है पाकिस्तान को मजीद इसने बीस पच्चीस साल पीछे धकेल दिया अब है अब रिलेशनशिप आप कह रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के कैसे होंगे कहां होंगे वो मैं पहले भी अर्ज करना चाहता हूँ चीमा सब आपके रिलेशनशिप नीड बेस पे है आपके रिलेशनशिप डॉलर बेस पे है आपको टेररिज्म के लेंस से ही देखा जाता है पहले भी अफगानिस्तान के हवाले से ही देखा जाता है जब भी चाइना को काउंटर करना होता है उसी हवाले से देखा जाता है आपकी कोई डिप्लोमेसी या आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी के बेस पे आपके रिलेशनशिप दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी नहीं है छोड़े अमेरिका को ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है कि आप यहां पैसों पर गिरते हैं और इन्हें पता है कि जब भी इंटरेस्ट कोई खरीदना है आपको डॉलर देने हैं चाहे वो चाइनीज दे दें दे, चाहे अमेरिकन दे दें चाहे कोई रशियन दे दे जो आप, आपको को दे 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 तेल दे दे को अल्लाह के नाम पे जो दे दे आप उसके साथ चल पड़ते हैं जिस सारी दुनिया को पता चल, चल चुका है उस उसपे क्या नुकसान होना है आसफ मर्चेंट ने उस उस फॉरन पॉलिसी को क्या नुकसान पहुंचाना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती इसने नुकसान नुकसान तो मेरे जैसे लोगों को पहुंचाया इसने पीटीआई वाले के वर्कर यहां पे जितना लौटा लपाड़ा है उनको इसमें क्या नुकसान पहुंचाना है वो तो पहले ही डिस्कनेक्ट है अमेरिका के साथ उनको क्या नुकसान होना है तो चिमा साहब इस बंदे ने बड़ी सख्त ज्याद् की है चले कोई नहीं लेकिन मैं ये ये जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए आ, जो पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो बच्चे यहाँ की सेकेंड जनरेशन बॉर्न है जिनका नाम आसिफ होगा जिनका नाम मोहम्मद होगा जिनका नाम अहमद होगा जिनके नाम के साथ पाकिस्तान लगता होगा बस ब, उन, उनको इसने बीस साल पीछे कर दिया इस बंदे लेकिन कोई नहीं किसी को कोई शर्म नहीं है कोई हया नहीं है चीमा साहब बस मेरे जैसे बंदे परेशान हैं यहां पर अब हमने आगे हाउ विल मूव फॉरवर्ड मुझे अब हर गैदरिंग में किस लेंस से देखा जाएगा देखे ना आपका तो आपका तो रिलेशनशिप भी दुनिया के साथ पैसे का मेरा पैसे का रिलेशनशिप नहीं है मेरा एक, मेरा एक एक सिविलाइज्ड इंसान अ ह्यूमन का मेरा रिलेशनशिप इनके साथ मेरे मुझे इन्होंने रिफ्यूज दिया दिस इज माय कंट्री आपके देखे ना आपकी तो प्रोडक्ट है चीमा साहब पिछले चालीस पैंतालीस साल में आपकी प्रोडक्ट आपने जो तोड़ चढ़ाई है उसका वो हीरो है एक दहशतगर्दी आप एक्सपोर्ट आप देखें ना आपका ट्रेडमार्क क्या है आप कॉटन आपका ट्रेडमार्क थोड़ी है आपका आई आप टी आपका ट्रेडमार्क तो नहीं ना आपका ह्यूमन रिसोर्स तो ट्रेडमार्क नहीं है सबसे बड़ी बात है कल जो मेरे साथ सऊदी अरे सऊदी ट्रेवल कर रहा था जहाज में खुदा की कसम उसने दस दफा मुझे बताया कि वॉच योअर पाकिस्तान यू आर वेरी क्रप्ट पीपल आई सी इन मिडल ईस्ट ब्रिंगिंग ऑल द मनी फॉर पाकिस्तान इरानी जो है ये जो काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को रिक्रूट करो वहां से वीजा लगवाओ वहां जाके आगे बंदा मारो खुद तो अपने घर में वो इसमाइलानिया को सेव नहीं कर सके और बंदा भेज दिया है अमरीका के जाओ पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला कि जाओ वहां पे जाके तुम मारो ये जो ईरान की नाकामी और कमजोरियां हैं इस तरह में और ये प्रोफेशनल नहीं लगते हमें और आपको पता है इससे पहले तार साहब मैं आपको बताऊं कि जो सीरिया के अंदर जो जंग हुई है उसमें दो एक ब्रिगेड थे जैनब्यून एंड फातिम्यून के नाम से ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट इन्होंने पहले भी पाकिस्तान से की है जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज रहते हैं ये जो फैक्टर है ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो कमजोर हो रही है या पाकिस्तान को क्यों इस्तेमाल कर रहे है? इस पे हैं इस पर थोड़ा कमेंट कर दें अगर साहब हो सकता है पाकिस्तानी सस्ता मिल गया हो देखिए ना देखिये इसमें एक तो ज़िए सब जगह फैक्टर ये हो सकता है ना किसी और जगह से लोग पकड़ते तो उससे उस पैसे ज्यादा मांग रहे हो ये थोड़े पांच छह हजार डॉलर देखो थोड़ा पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तानी याद रखे इसमें हो सकता है तीन सौ रुपये का डॉलर जो है पाकिस्तान में रेट उसका भी एक फैक्टर हो लेकिन चीमा साहब देखें अगर देखा जाए तो मैं खुद इस इसमें सोचता रहा हूं कि उनको पूरी दुनिया में कोई और बंदा नहीं मिला यार पूरी दुनिया में कितने ममालिक